एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड से राजनीति और बॉलीवुड जगत के तमाम सितारे सदमे में हैं। खासतौर पर बॉलीवुड के स्टार सलमान खान, जो उनके बेहद करीब। बाबा सिद्दीकी की मौत की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। वहीं इस हादसे के बाद सलमान की सिक्योरिटी को और बढ़ा दिया गया है। वहीं अब सूत्रों की माने तो बाबा सिद्दीकी की इस अचानक हत्या के बाद एक्टर ने एक अहम फैसला लिया है। तो क्या है सलमान खान का ये अहम फैसला, चलिए जानते हैं आज की इस रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम है लता और आप देख रहे हैं रिपोर्टर। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को मुंबई में सरेआम गोली मार दी गई, जिसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती किया गया। यहाँ इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। वहीं इस हत्या की जिम्मेदारी कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ली। उधर बाबा सिद्दीकी की मौत ने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को झकझोर कर रख दिया। सलमान खान रविवार को कड़ी सुरक्षा के बीच दिवंगत नेता बाबा सिद्दीकी के घर पहुंचे। उनके चेहरे पर अपने दोस्त बाबा सिद्दीकी को खोने का गम साफ दिखाई दे रहा। सलमान खान ने सिद्दीकी के अंतिम दर्शन किए और उन्हें विदाई दी। इसी दौरान उनके आंखों से आंसू भी छलके। सलमान का आंसू भरी आंखों के साथ निकलते समय का एक वीडियो अब वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर लगता है कि दोनों के बीच काफी गहरा रिश्ता था। सूत्रों की माने तो बाबा सिद्दीकी को इस हादसे के बाद से ही बचाने के तमाम प्रयासों के बावजूद लीलावती अस्पताल में उनकी मौत हो गई। ये दुखद खबर मिलते ही बॉलीवुड अभिनेता और उनके करीबी दोस्त सलमान खान सिद्दीकी के शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने अस्पताल पहुंचे। अंतिम विदाई के दौरान सलमान खान और उनकी फैमिली बाबा सिद्दीकी के घर पहुंचे। बता दें कि बाबा सिद्दीकी का फिल्म इंडस्ट्री से गहरा नाता रहा है। बाबा सिद्दीकी के निर्वाचन क्षेत्र बांद्रा में ही सलमान खान का भी घर। इनके अलावा बाबा सिद्दीकी को अपनी हाई प्रोफाइल इफ्तार पार्टियों के लिए भी जाना जाता है। साल 2013 में उनकी इफ्तार पार्टी ने बॉलीवुड के दो सबसे बड़े सुपरस्टार्स सलमान खान और शाहरुख खान के बीच लंबे समय से चले आ रहे झगड़े को खत्म किया। बाबा सिद्दीकी की हत्या की बिश्नोई गैंग द्वारा ली गई जिम्मेदारी के बाद अब सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में लिखा है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन जो सलमान खान की हेल्प करेगा वो अपना हिसाब करेगा। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे, हमने पहले बार कभी भी नहीं किया। वहीं बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। वहीं सलमान के बांद्रा में गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भी सिक्योरिटी अब और मुस्तैद कर दी गई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस हादसे के बाद सलमान और उनका परिवार किसी से भी नहीं मिल रहा। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो फैमिली ने इंडस्ट्री से किसी को भी अपने घर पर आने से मना किया है। वहीं सलमान खान ने भी अपनी मीटिंग्स को कुछ दिनों के लिए टाल दिया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद से ही सलमान खान बेहद परेशान है और वो रातों को सो तक नहीं पाते। वो जिशान यानी बाबा सिद्दीकी के बेटे से लगातार फोन पर बात करते रहते हैं और बाबा सिद्दीकी के अंतिम संस्कार के बाद भी उन्होंने परिवार के साथ अपना कनेक्ट बना रखा। वहीं बाबा सिद्दीकी की मौत से सलमान खान ही नहीं बल्कि उनके दोनों भाई सोहेल और अरबाज खान भी काफी सदमे में हैं। सलमान की तरह ही वो दोनों भी बाबा सिद्दीकी के काफी करीबी माने जाते हैं। वहीं इस केस की जांच की बात करें तो इस केस में अब तक 3 शूटरों की पहचान कर दी गई है। इनमें से 2 उत्तर प्रदेश के बहराइच से हैं और तीसरे की हरियाणा से होने की बात सामने आई। वहीं सोशल मीडिया पर जो पोस्ट सामने आया है उसके बाद गैंग की ओर से दावा किया गया है कि बाबा सिद्दीकी पास्ट में दाऊद इब्राहिम के साथ मकोका एक्ट में भी शामिल थे। तो बाबा सिद्दीकी पर हमले की खबर से ही जिस तरह से सलमान खान बिग बॉस के सेट से रवाना हुए थे, उससे अब ये भी सवाल लगातार बना हुआ है कि क्या सलमान खान अब बिग बॉस 18 को होस्ट नहीं करेंगे और क्या इस बार वीकेंड के वार से ही बिग बॉस 18 में कोई और होस्ट नजर आएगा। इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर्स।